दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं स्पीड टेस्ट कंपैरिजन वन प्लस सेवन टी वर्सेज सैमसंग गैलेक्सी S10 लाइट। अब ये दोनों ही फ़ोन्स आपको लगभग सेम प्राइसिंग में देखने को मिलते हैं, तो कंपैरिजन तो बनता ही है। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि इस वीडियो में तो हम सिर्फ आपको स्पीड टेस्ट कंपैरिजन देने वाले हैं, लेकिन इन दोनों ही फ़ोन्स के बीच में हमने एक डिटेल कंपैरिजन भी कर दिया है। उस वीडियो का लिंक भी आपको कार्ड में देखने को मिल जाएगा, तो वो वीडियो भी आप जाकर चेक कर सकते हैं कि इन दोनों ही फ़ोन्स में हमें और क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको बता दें S10 लाइट में यूज़ हुआ है स्नैपड्रैगन 855 चिपसेट, जबकि OnePlus 7T में इसी का अपग्रेड स्नैपड्रैगन 855 प्लस चिपसेट आपको देखने को मिलता है। हालांकि यहां पर स्पेसिफिकेशन में हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, देखते हैं कि परफॉर्मेंस में कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है या फिर नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्पीड टेस्ट कंपैरिजन के फर्स्ट राउंड को। उससे पहले आप यहां पे देख सकते हैं दोनों ही फ़ोन्स के बेंचमार्क स्कोर। हालांकि बेंचमार्क स्कोर में भी हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि ये दोनों ही फ़ोन्स हमारे पास अवेलेबल हैं 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ में। तो चलिए स्पीड टेस्ट कंपैरिजन के फर्स्ट राउंड को स्टार्ट करते हैं, जहां पर हम करने वाले हैं दोनों ही फ़ोन में सेम टाइम पर एप्लीकेशन को ओपन। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोनों ही फ़ोन्स में है सेम एप्लीकेशन सेटअप, और अब यहां पर आप देख सकते हैं कि दोनों ही फ़ोन्स में कोई भी बैकग्राउंड रिलेशन काम नहीं कर रही है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस राउंड को और देखते हैं कि हमें यहां पर क्या रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों स्पीड टेस्ट कंपैरिजन का फर्स्ट राउंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि यहाँ पर हमें काफ़ी सारी एप्लीकेशन ऐसे देखने को मिली जहाँ पे जो टाइम डिफरेंस था वो मिली सेकेंड्स में ही था। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे विनर की, तो दोनों ही फ़ोन्स इक्वल थे। जी हाँ, 7 में से 3 एप्लीकेशन फास्ट ओपन हुई थी OnePlus 7T में और 3 एप्लीकेशन फास्ट ओपन हुई थी S10 Lite में, और दोस्तों एक एप्लीकेशन दोनों ही फ़ोन्स में सेम टाइम पे ओपन हुई थी। तो यहाँ पर तो दोस्तों परफॉर्मेंस में हमें कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। चलिए अब चलते हैं सेकेंड राउंड की तरफ, जहाँ पर हम परफॉर्मेंस के साथ में रैम मैनेजमेंट को भी चेक करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस राउंड को और देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। और दोस्तों ये राउंड भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हमको देखने को मिला है। जी हाँ, पहले तो आप देख सकते हैं फाइनल स्कोर 1 मिनट और 36 सेकंड का टाइम हमको देखने को मिल रहा है सैमसंग गैलेक्सी S10 लाइट में, जबकि 1 मिनट और 37 सेकंड का टाइम हमको देखने को मिल रहा है OnePlus 7T में। हालांकि मुझे उम्मीद ये थी कि OnePlus 7T आगे होगा, लेकिन यहाँ पर S10 लाइट इस राउंड का विनर हुआ है। हालांकि वैसे तो हम यही कहेंगे कि दोनों ही फ़ोन्स की परफॉर्मेंस में हमें कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है, दोनों ही फ़ोन लगभग सेम टाइम पे ही एप्लीकेशन को ओपन कर रहे थे, और दोस्तों ज़्यादातर टाइम ये दोनों ही फ़ोन्स सेम पोजीशन पे भी थे। तो यहाँ पर दोस्तों परफॉर्मेंस के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि दोनों ही फ़ोन्स लगभग सेम आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।